मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली इतने दिनों के बाद एक और व्लॉग आप लोगों के लिए बनाने बैठी हूँ मैं। सो यार, सबसे पहले थैंक यू सो मच। इतने सारे मेरे लास्ट जो मैंने कोई है वाला व्लॉग का रिव्यू बनाया था, आप लोगों ने इतना पसंद किया है यार कि मतलब अब मुझे फरमाइशें आ रही हैं। मेरा खुद भी दिल कर रहा है मैं ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लेकर आऊँ, लेकिन आज मैंने छोटा सा वीलॉग बनाने के लिए ये जो अपना वक्त है ये निकाला है। ये सूट स्पेशली मैंने इस वीलॉग के लिए वेयर किया है क्योंकि आज है 23 मार्च, और 23 मार्च के हवाले पे कुछ आप लोगों से अपनी फीलिंग शेयर करना चाहूँगी, एक दुआ करना चाहूँगी, वो ये कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे, शादो आबाद रखे। और इस दिन के हवाले से अल्लाह ताला से ये दुआ गूँ कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, अल्लाह ताला इससे हमें, हम सब पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को महफूज रखे, जल्द अज जल्द इस बीमारी से, इस वायरस से हम सबको निजात मिले, जल्द अज जल्द हम लोग आज़ाद हों और फिर से पहले की तरह आज़ादी से, कि आज का दिन हमें आज़ादी की याद दिलाता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि आज़ादी से हम, आप और मैं, हम सब लोग फिर से ज़िंदगी जीना शुरू करें, फिर से कारोबार वैसे चलें, फिर से हमारे अपनों की जानें महफूज रहें, फिर से हम लोग आज़ादी से सांस ले सकें, मेरी यही दुआ है। और इस दिन के हवाले से कुछ आप लोगों की तरफ से भी मैं चाहूँगी कि आप लोग उसे शेयर करें कमेंट्स में कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आई नो कि सारे, क्योंकि रमज़ान आ रहा है और अल्लाह ना करे ये रमज़ान पहले की तरह हो, पिछले रमज़ान की तरह इसमें सन्नाटे हों, लॉकडाउन लगे या फिर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आए, और जैसे कि आजकल आई भी है। सो उसके चलते मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत करके ये व्लॉग जो है बनाती हूँ। मेरे बैकग्राउंड में से जो आवाज़ें आपको आ रही हैं, ये 23 मार्च के हवाले से नीचे जो है टेंट लगाकर लोग जो हैं वो आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी आज़ादी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। सो बस मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जल्द से जल्द हमें कोरोना वायरस से निजात मिले और हम लोग दोबारा से आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले सकें। आमीन सुमामी। सो वीडियो में कुछ अलग करने का दिल कर रहा था, तो आज मैंने सोचा कि इतना अच्छा खूबसूरत मौका है तो आप लोगों के साथ मिली नगमा शेयर करूँ। यार मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं अपने दूसरे मोबाइल में इसको प्ले करके इसके साथ जो है गाने की कोशिश करूँगी, और आप लोग भी जो जो भी मेरी वीडियो देखेगा, मेरा ये वीलॉग देखेगा, तो इसमें मेरा साथ दें और इसको साथ में गुनगुनाएं तो मज़ा भी आएगा। आपको ये वाला वीलॉग थोड़ा सा तो इंटरटेन करेगा, और अगर करेगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को कैसा लगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लास्ट न्यूज़। यार मैं हैरत ज़्यादा रह गई, मेरे घर वाले हैरत ज़्यादा रह गए कि माशाल्लाह माशाल्लाह 2000 से ऊपर उसके व्यूज़ गए हैं और एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं, सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया कि मेरी हिम्मत बढ़ी है इस चैनल को मज़ीद आगे लेके जाने की। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा वीडियोस भी आप लोग इसी तरीके से मेरी पसंद करेंगे। एंड एक दफ़ा फिर से 23 मार्च आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ आपके पास आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।